क्या है भाई, आज का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं, फिजिक्स का भी। ठीक है, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग अ सर्कुलर बाथ एंड इट हैज़ बोथ सेंट्रीपेटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देन इट्स स्पीड। तो ये होगी रिमेन कांस्टेंट। सर्कुलर पाथ में और टेंजेंशियल और सेंट्रीपेटल दोनों होंगे तो फिर ये होगी क्या, रिमेन कांस्टेंट। फिर है, सोर्स एन इलेक्ट्रॉन मोटर कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 2000 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड, व्हाट इज पावर ऑफ द मोटर। वेल देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, ये न्यूमेरिकल वाले हैं, ये मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। पावर के लिए फार्मूला होता है MGHT। तो WH हो गया, ठीक है, T 2000 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से और टाइम 20 डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 1000 वॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, टू बॉडीज आर लॉन्च विद डिफरेंट एंगल फ्रॉम अ सेम पॉइंट एंड दे हैड सेम रेंज, द एंगल वुड बी। तो 30-45, 30-70, 70-20, तो आंसर होगा 70-20। ट्रिक ये है कि इनका सम 90 के इक्वल होना चाहिए, तो सिर्फ इसी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, द ट्रैक फॉर्म इन अ विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल इज, योगा थिक एंड ब्रोकन लाइन। फिर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो भाई डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब पे डिपेंड करती है, सिर्फ किस चीज़ पर नहीं करती, प्रेशर पर नहीं करती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर। इसके बाद है, ए बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज नॉट इन मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। तो बहुत ही अच्छी MCQs है, ये होगा MG। बात हो रही है बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज नॉट इन मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग किसके बराबर होगा, MG।